हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? लड्डू की तरफ से राधे राधे सबको। मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है और मैं अपने लड्डू को अभी नहला रही हूँ। लड्डू लड्डू को सब राधे राधे बोलो। अभी बस मैंने खाना बनाया है, सारा काम हो गया है। अभी लड्डू नहा रहा है हमारा। फिर आज हम जाएंगे मार्केट में, फिर से नजफगढ़ की मार्केट में आपको दिखाएंगे वहाँ की मार्केट का। फिर दोबारा आपको देखते हैं टाइम कैसा मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सब दिखाएंगे। आज भी मेरे बेटे ने कोट पैंट सिलाया था, उसको लेने जाएंगे, और कुछ सामान हमारा रह गया था उसको भी लेके आएंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइज, मैंने नहला दिया है अपने लड्डू गोपाल जी को, और देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी को। इसको मैंने गर्म कपड़े पहनाया है क्योंकि अब ठंड होने लग गई है, और नहला के अभी इसको मैंने धूप में ही बैठाया थोड़ी देर के लिए। फिर अंदर मंदिर में लेके जाऊंगी, पूजा करेंगे, तब मैं लड्डू गोपाल जी को अंदर लेके जाऊंगी। तब तक मैं थोड़ी देर धूप में बैठा रही हूँ क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल नहाया तो अभी लग रही होगी इसको ठंड। और मैंने इसके सारे गर्म कपड़े निकाल दिए हैं, अब कई दिन से गर्म कपड़े ही पहन रहे हैं। और एक ये मेरी लड्डू की दोस्त है, हमने इसका नाम सुरभि रखा हुआ है। और एक ये लड्डू का दोस्त है, ये हमेशा लड्डू के साथ रहते हैं, दोनों पूरे दिन तीनों बातें करते रहते हैं कुछ ना कुछ। और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बस अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में मार्केट के लिए, दिखाऊंगी आपको मार्केट में जाके वहाँ से हमने क्या क्या खरीदा है, क्या रेट है, सब कुछ दिखाऊंगी आपको। गाइज, हम पहुंच चुके हैं नजफगढ़, और अभी हम बाजार में नहीं पहुंचे, अभी हम खड़े हैं स्टैंड पे क्योंकि अमन की बुआ जी आने वाली है। अभी वो रिक्शे में ही आएगी, अमन वो ने फोन किया है तो वो कह रही बस मैं अभी निकल ली हूँ तो वो हमारे साथ मार्केट जाएगी, इसलिए हम कर रहे हैं इंतजार स्टैंड पे खड़े होके। फिर हम सब जाएंगे बाजार में, मार्केट में, फिर अंदर में जाके आपको दिखाऊंगी मार्केट का। ये बिल्कुल हम मैन उस पे खड़े स्टैंड पे, छावला स्टैंड पड़ता है जो नजफगढ़ में, वहीं पे हम उतरे हैं। और बस अब वहीं से जाएंगे हम बाजार की तरफ, और बस अभी इंतज़ार कर रहे हैं रिक्शे का। मेरी ननंद आने वाली है रिक्शे में, फिर हम उसके साथ जाएंगे, वो भी अपना कुछ सामान लेके आएगी तो हमने सोचा चलो साथ ही चलते हैं। गाइस, हम जा रहे हैं बाजार में, शॉर्टकट जा रहे हैं हम गलियों में से, क्योंकि वैसे बहुत लंबा पड़ता। और इसकी बुआ जी, अमन की बुआ जी मतलब, हमारे साथ आनी थी लेकिन वो थोड़ी लेट हो गई, बोली मैं तुम सबको बाजार में मिल जाऊंगी, तुम चलो। तो मैं और अमन आ रहे हैं अभी, अभी हम पहुँचे नहीं है बाजार में, जाके दिखाएंगे आपको बाजार में, मार्केट में पहुँच के। अभी तो हम गलियों में से ही जा रहे हैं। शॉर्टकट में ये जल्दी पहुंच जाता है रास्ता, नहीं हमें बहुत घूम के आना पड़ता, बहुत लंबा पड़ता। तो हम गलियों में से निकल रहे हैं बाजार की तरफ, अभी बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। देखते हैं पहले कहाँ से क्या खरीदें। यहाँ से जल्दी मार्केट शुरू हो जाती है, आज तो पूरा दिन ही लग जाएगा शायद, क्योंकि अभी काफी सामान लेना है। हम जा रहे हैं गाइस अमन के कोट पैंट लेने के लिए, अभी वो ट्राई करेगा, देखते हैं कैसे सिले हैं भैया की शॉप से। इसने रेडी कराया था, ये देखो सारे तैयार हुए कोट इनके। रमन ने कराया था ये रेडी, अभी देखते हैं फिटिंग क्या आएगी इसकी।
फर्स्ट टाइम अमन ने सिलाए शॉप पे, देखते हैं फिटिंग क्या आएगी। गाइस ये देखो कुर्तों की सेल लगी हुई है 150 रुपए। ये देखो ये सब 150 रुपए की सेल लगी हुई है, और ये प्लाजो है 150 रुपए में, और ये इस तरह के आएंगे 350 रुपए। ये देखो ये चिकन की कढ़ाई में होंगे, ये सब सेल लगी हुई है गाइस। ये गरम पजामे हैं ये वाले, और इसमें अंदर कुर्ते ही कुर्ते लगे हुए हैं सब सेल के। ये देखो ना वो ज्यादा चमक को, वो अजीब सो लग रहा है। ये देखिए 350, ये 350 की सेल लगी हुई है। ये एलजी नॉर्मल में वो बता दे, नॉर्मल में देखते ही पसंद आएगा। ये देखो 350 रुपए की, इस पे सेल लगी हुई है 350-600 रुपए। ये देखो डिजाइन मंजू देख ना, मैं पूछूं 350 रुपए की सेल है। और गाइस अभी देख रहे जूते इस शॉप से, ये 150 रुपए, और ये वाली ये 300 रुपए। ये सेल लगी हुई है छोटे बच्चों की, बड़ों की 250, ये 250, 300, 150 इस तरह की सेल लगी हुई है गाइस। और ये कुर्ते लगे हुए हैं, ये कुर्तों की सेल है। ज्यादा उच्चो उच्चो है वो, उच्चो वो वाला ना साइड वालों, तो फिर उसमें सितारा ऊपर ज्यादा है। देख एक और देख, हाँ पूछ अंदर जाकर रेट पूछ ना बेटे थोड़ा सा। ये देखो गाइस ये सेल लगी हुई है 1450 रुपए। ये देखो अच्छी सेल है, अच्छे कपड़े हैं, आप कभी भी आके लो यहाँ पे सोम बाजार में है ये शॉप। और गाइस देख रहे हैं हम अभी इस पे स्टॉल देख रहे हैं और शॉल देख रहे हैं शॉप पे, देखते हैं पसंद आएंगे कि नहीं आएंगे। शादी के लिए देखना एक पार्टी वेयर, अच्छे डेली यूज की नहीं है, सही है। कितने का है? 300 रुपए। ये देखो बिल्कुल प्लेन है गाइस, और 300 रुपए। ये तो वहां दुकान का तो ले ली ना रखे है, मेरे दो रखे हैं भैया, दिखाना पार्टी वेयर दिखा दो थोड़ा। कहाँ से शुरू है दिखा दो, स्टॉल स्टॉल, हाँ कलर सारे चलेंगे ना। ये रेड वेड मत दिखाओ, ये 400 रुपए है। ये भी 400 रुपए है। कलर मिल जाएंगे आपको 450, ये 550 का है। ये भी 550 का है। और जिसमें ये स्टोन ना हो, मतलब स्टोन का काम ना हो, कोई नहीं बिल्कुल सिंपल दिखा दो एक बार। हाँ दिखाओ,
देखिए इस तरह का, ये कितने का बताया? ये भी 550 का। ये सही लग रहा है मंजू, उनको रहने दो भैया, इसको देखो इसमें, हाँ इस तरह का दिखा दो, इसके कलर होंगे और ये कलर आएगा ना, यही है ना। और दूसरा एक यही दे दो फिर, और अभी ले रहे गाइस जूते, अमन पसंद करने लग रहा अपने जूते, ये देखो ये कुर्ते पैंट के लिए ले रहा है, और बहुत बड़ी शॉप है इन भैया की, हम इनको बहुत पहले से जानते हैं, पहले इनकी सब्जी मंडी में थी शॉप, और इन्होंने बिल्कुल मैन बाजार में कर ली गाइस। इनसे तो बढ़िया लग रही है, अगर इसमें ब्लैक भी होती ना जब भी अच्छी ना लगती है, बहुत बड़ी दुकान है इनकी, कुर्ता तो अच्छी लगेगी। गाइज हमारी शॉपिंग हो गई है और अभी हम जा रहे हैं, मैं अपने ननन के यहाँ पे जा रही हूँ रिक्शे में, क्योंकि अभी अमन के कोट पैंट में टाइम लगेगा, तो उन्होंने 2-3 घंटे का टाइम दिया, तो कब तक हम, मैं अपने ननन के यहाँ रुक जाऊँगी, नहीं फिर कल फिर हमें आना पड़ेगा, तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे रिक्शे में, उनको हमने भेज दिया कि तुम लोग जाओ हमें टाइम लगेगा, तो वो लोग चले गए थे, तो अभी हम जा रहे हैं रिक्शे में, यहाँ से पैदल नहीं जा सकते क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है, इसलिए हम रिक्शे में ही जा रहे हैं, देखते हैं अब शाम को, ये 7-7:30 बजे के लिए बोल रहे हैं कि इस टाइम देंगे, आज तो हम घर पे शायद लेट ही पहुँचेंगे गाइस, पहुँच के बताऊँगी आपको कि किस टाइम हम पहुँचे हैं, अभी जाके दिखाती हूँ, मैं अपनी ननंद के घर पर जा रही हूँ, पहुँच कर आपसे मिलती हूँ, करती हूँ बात आपसे।